कक्षा नवी दसवीं बारहवीं बारहवीं कृषि संख्या हेतु है, नवी दसवीं दोनों में काम आता है ये प्रश्न। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम जानते फार्मूला हम लिखेंगे काहे का वृत्त का क्षेत्रफल। हम में से सब जानते कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो था ए बराबरी से क्या पाई आर की घात 2 के बराबर। ए बराबरी से पाई आर की घात किसके 2 के बराबर। और यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या यानी कि किसका मान आर का मान दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो जब हम इस मान को रखेंगे तो ए बराबरी से पाई जो होता है उसको हम रखते हैं 22/7। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 1 7 से 1 7 क्या होता कट जाता। जब 22 का 7 में गुणा होता तो मान आता ए बराबरी से 7 × 14 = 4 हासिल किए। 7 × 14 = 15 154। क्योंकि ये 7 भी सेंटीमीटर था ये 7 भी सेंटीमीटर था, दोनों सेंटीमीटरों का जब गुणा हो जाता है तो वो आ जाता है वर्ग सेंटीमीटर, वो आ जाता है वर्ग सेंटीमीटर। तो काहे का अतः वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबरी से 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है समकोण त्रिभुज का चित्र बनाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज अपन ने बनाया है, यहाँ कितने अंश का कोण है 90 अंश। इस 90 अंश के सामने की ये जो भुजा है ये कहलाती है कर्ण और यह भुजा कहलाती है आधार और ये कहलाती है लंब या ऊंचाई। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना 90 अंश हो वह कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज कहलाता। वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और किसका क्षेत्रफल? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी समकोण त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालने की नौबत आए तो उसके लिए बिल्कुल एक आसान सा फार्मूला है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई या लंब। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल धन्यवाद।